हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कैसे एक घटना किसी का पूरा करियर बर्बाद कर देती है, इसका जीता जागता सबूत पूर्व एक्टर अनस राशिद हैं। वही अनस जो कभी पृथ्वीराज चौहान बनकर लोगों के बीच छा गए थे, वही अनस राशिद जो दिया और बाती में सूरज के किरदार से ऐसा मशहूर हो गए थे कि घर घर में अपनी पहचान बना चुके थे। मगर क्या आपको पता है वो अचानक क्यों गुमनाम हो गए? नंबर वन की कुर्सी छोड़कर अनस कहां गायब हो गए? एक दौर में टीवी के सबसे हैंडसम अभिनेता कहलाने वाले अनस का करियर बस एक गलत सीन और थप्पड़ ले डूबा। चलिए इस दमदार अभिनेता के अभिनय की दुनिया में आने से लेकर उनके करियर डूबने का पूरा सच आपके सामने लाते हैं। शायद कई लोग इस सच से वाकिफ नहीं होंगे। अनस राशिद टीवी की दुनिया का सबसे हैंडसम अभिनेता, घर घर में लोगों के बीच सूरज राठी के नाम से मशहूर, पंजाब के छोटे से गांव मेहर कोटला का लड़का, जहां दूर दूर तक कोई फिल्मी लाइन में ही नहीं था, वहां तो लोग एक्टिंग की दुनिया में आने वालों को ही बुरी नजरों से देखा करते। अनस ने भी खुद कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि वो एक दिन छोटे पर्दे के नंबर वन एक्टर बन जाएंगे। वो तो बस नसीब भी यहाँ खींच लाया। कैसे, चलिए बताते हैं। अनस दिखने में काफी हैंडसम थे, जिम कसरत का खूब शौक था, 22, 23 साल के रहे होंगे। चंडीगढ़ से ग्रेजुएशन पूरा हुआ तो सोचा क्या किया जाए। कई दोस्त फास्ट फूड का धंधा करते थे, इन्होंने भी पिज्जा बर्गर का छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लिया। मगर क्या पता था किस्मत में पिज्जा बर्गर बेचना नहीं लिखा था। साल था 2003, मिस्टर पंजाब प्रतियोगिता होने जा रही थी। दोस्त यार सब बोलने लगे, अरे तू तो इतना स्मार्ट है, मिस्टर पंजाब कंपटीशन में हिस्सा क्यों नहीं लेता। अनस ने भी मजाक मजाक में पार्टिसिपेट कर लिया। नसीब देखिए, पंजाब के एक से बढ़कर एक धुरंधर लड़के देखते रह गए और अनस राशिद मजाक मजाक में ही मिस्टर पंजाब चुन लिए गए। किस्मत साथ दे रही थी। कॉम्पिटिशन में ही पंजाबी म्यूजिक वीडियो बनाने वाली कंपनियों के कुछ लोग मौजूद थे। अनस मिस्टर पंजाब क्या बने, उन सब को वो पसंद भी आ गए। एक के बाद एक म्यूजिक वीडियो के ऑफरों की झड़ी लग गई। इसके बाद अनस राशिद बन बैठे म्यूजिक वीडियो के हीरो और पूरे पंजाब में मशहूर हो गए। वीडियो इतने हिट होने लगे कि बच्चा बच्चा उनको पहचानने लग गया। लोग बॉलीवुड के किसी हीरो जैसी इज्जत देने लगे। खूब मॉडलिंग के ऑफर भी आने लगे, मगर इनके नाते रिश्तेदारों को अनस का हीरोइनों के साथ कमर मटकाना पसंद नहीं आता था। कुछ रिश्तेदारों ने तो इनके घर तक आना बंद कर दिया था। साल 2005 की बात है, एक दिन पिता बोले जब इसी फील्ड में काम करना है तो मुंबई जाकर कुछ बड़ा करो। अनस भी पिता की बात मानकर निकल गए मुंबई। वहाँ एक महीना रहे, मगर धक्के खाकर वापस आ गए। हकीकत समझ आ गई तो गांव में रहने में ही भलाई लगने लगी। हालांकि नसीब को अभी बहुत बड़ा बनाना था, घर पर ही थे। एक दिन इनके दोस्त एक्टर पंकी ठक्कर का फोन आया। पुलकित ने पूछा, क्या टीवी शो में काम करना चाहोगे? अनस ने पूछा, प्रोडक्शन हाउस कौन सा है तो पता लगा बालाजी, फौरन हाँ बोल दिया। तो पंकित ने एकता कपूर का नंबर दे दिया। एकता से बात हुई तो उन्होंने ऑडिशन के लिए मुंबई बुला लिया। अनस पहुँचे और ऑडिशन दिया तो एकता ने पास कर दिया। पहला शो मिला क्या होगा, निम्मो का पहला शो तो यही मिला, मगर कुछ वजहों से सीरियल ऑन एयर नहीं हो पा रहा था, तो एकता ने अनस को उस दौर का मशहूर शो दे दिया। कहीं तो होगा किरदार मिला कार्तिक अहलूवालिया का। पहले ही शो से पहचान बन गई और अनस हिट हो गए। फिर क्या होगा निम्मो का शो में करण सहगल का रोल भी करने लगे। इसी दौरान इनको एक बड़ा शो मिल गया, पृथ्वीराज चौहान। अनस राशिद पृथ्वीराज चौहान के किरदार में ऐसे छा गए कि इनको वो शो मिल गया जिसने अनस को उस दौर में टीवी की दुनिया का सबसे बड़ा स्टार बना डाला। जी हाँ, वो शो 2011 में आया, नाम था दिया और बाती। हम नई टीवी अभिनेत्री दीपिका सिंह को संध्या का किरदार मिला और अनस उनके पति सूरज राठी बनकर सामने लाए गए। पूरे शो में कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं, मगर सीरियल क्या आया, छोटे पर्दे पर तो जैसे भूकंप आ गया।
बड़े बड़े सितारों से सजे टीवी प्रोग्राम, शो और सीरियल डगमगाने लगे। कुछ ही समय में सूरज और संध्या की जोड़ी ने ऐसा कमाल कर दिया कि सालों से नंबर वन चल रहे शो धूल फांकने लगे और दिया बाती प्रोग्राम सुपरहिट होकर नंबर वन हो गया। टीआरपी की दौड़ में तो जादू होने लगा। हर बार टीआरपी आती, कई शो की पोजीशन बदलती, लेकिन अनस राशिद और दीपिका सिंह का सीरियल नंबर वन ही बना रहता। दिया और बाती हम इतना फेमस हो गया कि अनस की तो पहचान ही बदल गई। लोग इनको सूरज के नाम से ही जानने लग गए। सालों साल तक दिया बाती सीरियल से आगे निकलने वाला शो ही नहीं आया। हर बार अनस बेस्ट एक्टर चुने जाने लगे। इतने मशहूर हो गए कि टीवी के सुपरस्टार बन गए। लोग तो उनके टीवी से निकलकर बॉलीवुड में जाने की बातें करने लगे। मगर दोस्तों, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अनस जैसे सुपरस्टार का करियर बर्बाद हो गया? क्या आपको पता है एक गलतफहमी और थप्पड़ ने इनका क्या हाल कर डाला? चलिए हम बताते हैं। दोस्तों, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। 2011 में शुरू हुआ दिया और बाती हम टीवी पर छाया हुआ था। अनस टीवी जगत में सुपरस्टार जैसा रुतबा हासिल कर चुके थे। मगर अचानक 9 मार्च 2015 में वह घटना घटी। हुआ यह कि दीपिका और अनस के बीच एक सीन शूट होना था, जिसमें उनको दीपिका को कमर से पकड़ना था, मगर डायरेक्टर ने वह सीन एंड मौके पर बदल दिया। गलती यह हो गई कि डायरेक्टर का इशारा अनस समझ नहीं सके और पुराना सीन समझकर एक्शन बोला गया, तो अनस ने दीपिका को कमर से पकड़ लिया। उनकी इस हरकत से दीपिका गुस्से से तमतमा गई और सबके सामने उनको झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया। वैसे कुछ लोग यह भी कहते हैं कि दीपिका बस अनस से अपनी खुन्नस निकालने की तैयारी में थी। इसकी वजह उनके असली पति रोहित राज थे, जो पहले शो के डायरेक्टर थे। अनस और रोहित में कई बार खटपट हो चुकी थी और नौबत मारपीट की आ गई थी। कहते हैं अनस ने शो मेकर्स को चेतावनी देकर रोहित को बाहर करवा दिया था। इसी बात से दीपिका नाराज चल रही थी और मौका मिलते ही उन्होंने बदला ले लिया था। मगर पूरी प्रोडक्शन टीम के सामने लड़की से पड़े थप्पड़ की शर्मिंदगी अनस बर्दाश्त न कर पाए। बात बहुत आगे बढ़ गई, यहाँ तक कि सिनेमा एसोसिएशन तक को बीच बचाव करने आना पड़ा। सब कुछ हुआ मगर दोनों के बीच फिर कभी बात नहीं हुई। मगर इसी के बाद शो की टीआरपी अचानक गिरने लग गई। जो सीरियल सालों से नंबर वन पर कायम था, वह कुछ ही महीनों में 10वें नंबर से भी आउट हो गया। थक हार कर मेकर्स ने शो को बंद करने का फैसला कर लिया। थप्पड़ का बोझ शायद अनस बर्दाश्त न कर सके और उन्होंने भारी मन से अभिनय की दुनिया को ही अलविदा बोल दिया। अनस वापस अपने गांव चले गए। साल 2017 में 14 साल छोटी लड़की हिना इकबाल से शादी कर ली। दोनों के दो बच्चे हैं, एक लड़की आयत और लड़का कबीर। एक्टिंग ऐसी छोड़ी कि छोटे पर्दे का ये सुपरस्टार सब कुछ छोड़ छाड़ कर खेती करने लगा और किसान बन गया। अब 43 साल के अनस को कई लोग पहचान भी नहीं पाते हैं। काश वह थप्पड़ कांड न हुआ होता, क्योंकि अनस राशिद में अभी बहुत सारा अभिनय बाकी था। दोस्तों, आपको अनस राशिद याद है या भूल गए? क्या आपने उनका कोई सीरियल देखा था? अगर हाँ तो उनका कौन सा किरदार आपको सबसे ज्यादा पसंद आया था, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरी को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।